हे पीपल, दिस इज़ स्वाति एंड आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक BBMQ यूनिवर्सिटी है जो वर्स्ट यूनिवर्सिटी कैसे है। मेरे पास इसके कुछ वैलिड पॉइंट्स है, कुछ वैलिड रीजंस है। मैं चाहूँगी कि आप इसे कुछ शांत मन से सुने। मैं इसको कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इसे अच्छे से सुने, इसको समझें, उसके बाद कुछ कमेंट या फिर कुछ नेगेटिव चीज़ बोले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वैलिड रीजंस क्या है, वैलिड पॉइंट्स है, मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि किस वजह से BBMQ यूनिवर्सिटी एक वर्स्ट यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि मेरे साथ एक रजिस्ट्रेशन स्लिप का कुछ इशू हुआ था, जो कि मैंने एक पहले वीडियो में बताया है कि मेरा कुछ नेम इनकरेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से मुझे पहले पता नहीं था कि ये ऑनलाइन करेक्शन भी होती है। तो मैं BBMQ की यूनिवर्सिटी गई, वहाँ पे उन्होंने कहा कि ऑनलाइन होती है ये करेक्शन, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अगर आ गए हैं तो हमें लोग इसको करेक्शन कर देंगे, आप इसको 2 या 3 दिन में रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो न्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप बनेगा, आप इसको आके ले जाइए। तो हम लोगों ने कुछ वैसा ही किया। तो 2 या 3 दिन बाद हम लोग फिर गए BBMQ यूनिवर्सिटी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बोला कि जो रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो न्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रोवाइड करवाता है, वो अभी नहीं है, तो आप लोग चले जाइए, आपका ये जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो आपके कॉलेज पहुँच जाएगा। हम लोग फिर से वहाँ से आ गए। नेक्स्ट या 1-2 दिन बाद फिर से कॉल आता है उस BBMQ यूनिवर्सिटी के ऑफिस से कि ये रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको, आपके कॉलेज नहीं जाएगा, तो आप लोग फिर से आइए और अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप ले जाइए। तो हम लोग डर गए कि एग्ज़ाम्स भी है, कॉलेज नहीं आएगा, तो फिर से हम लोग रजिस्ट्रेशन स्लिप लेने के लिए गए। तो इस एग्ज़ाम के सिचुएशन में, कंडीशन में मुझे 3 बार BBMQ यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर ट्रैवल करना पड़ा, जो कि इस सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स आने वाले सेमेस्टर 1 का, और रजिस्ट्रेशन स्लिप के लिए एक करेक्शन होने के लिए इतना ज़्यादा किसी को टॉर्चर होना पड़ता है, झेलना पड़ता है एक स्टूडेंट को। अब ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका कुछ गलती हो गया होगा रजिस्ट्रेशन स्लिप में, तो उन्हें पता होगी वो चीज़ की करेक्शन ऑनलाइन होती है। मुझे नहीं पता थी, तो मुझे इतनी सारी चीज़ों को टॉर्चर सहना पड़ा। फिर आते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में, जो कि सेमेस्टर 1 का जो एग्ज़ाम्स है वो पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ। अभी ये जून में नोटिस आया कि जून में एग्ज़ाम्स होंगे, बट ये सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे मैंने ये कहा है कि ये एक वर्स्ट यूनिवर्सिटी है। तो मैंने कुछ ऐसे वैलिड रीजंस कुछ देखे हैं, तो भी मैंने इसको आप लोगों को बताया है, ठीक है। इसको कोई पॉलिटिकल इशू या फिर कुछ भी कोई इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नेगेटिविटी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ हुआ वो चीज़ मैंने आपके सामने यहाँ पे बोला है, कुछ वैलिड रीजंस, कुछ वैलिड पॉइंट्स को रख के, ठीक है। सो यह फाइनल रिज़ल्ट ये है कि मेरा रजिस्ट्रेशन स्लिप, न्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप बन के आ गया है। एंड यस, अब मैं वीडियो को यहीं एंड करूँगी। एंड लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।